सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का आंदोलन रद्द हो गया है। धान खरीदी के मामले में कांग्रेस सरकार कर रणनीति का जवाब में बीजेपी ने तय किया था आंदोलन। 10 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना और 13 नवंबर को जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का आंदोलन रद्द हुआ है। और हमारे साथ इसी संबंध में बातचीत के लिए रुपेश गुप्ता जुड़े हैं। रुपेश, हम जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह धान खरीदी के मामले को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही थी और साथ में 10 नवंबर को मंडल स्तर पर और 13 नवंबर को जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी, अब उसे रद्द कर दिया गया है। देखिए, राम जो है वो किसानों के मुद्दे पर भारी पड़े हैं और जाहिर तौर पे न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो आंदोलन की करने का फैसला किया था छत्तीसगढ़ सरकार से यह मन करते हुए कि 2500 रुपए में धान खरीदो। हालांकि सरकार ये भी कह रही थी कि 2500 रुपए धान किसी भी कीमत पर खरीदा जाएगा। तो जो कांग्रेस के आंदोलन थे उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन की रणनीति बनाई थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने यह घोषणा की कि जो दिल्ली कूच का उनका कार्यक्रम था फिलहाल स्थगित किया गया है, उसके थोड़ी देर के बाद भाजपा ने भी अपना आंदोलन वापस लिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों की आगामी रणनीति क्या होती है। वास्तव में यह देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति बनाती है। बहरहाल भरोसा बने रहेगा, आपसे और भी खबर पर बातचीत करते रहेंगे। अयोध्या को लेकर